जय हिंद दोस्तों, आइए आज आपको मिलाते हैं इस देश के सबसे बड़े गद्दार से, एक ऐसे आदमी से जो इंडियन आर्मी की इन्फॉर्मेशन पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI को शेयर करता था। जैसे इंडिया की खुफिया एजेंसी रो है, वैसे ही ISI भी पाकिस्तान की एक खुफिया एजेंसी है। पूरी घटना क्या हुई है, कौन है ये गद्दार, कैसे इसको पकड़ा गया और कितने टाइम से यह भारत की खुफिया इन्फॉर्मेशन पाकिस्तान की ISI को भेज रहा था, यह आज की इस वीडियो में हम जानेंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि ये सारी डिटेल आज इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। दरअसल उत्तर प्रदेश की ATS टीम ने इस आदमी को पकड़ा है मेरठ से, और यह एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय है जो सेंट्रल गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में एक मल्टीटास्किंग स्टाफ यानी कि MTS की पोस्ट पर कार्यरत है। यह आदमी मॉस्को में स्थित इंडियन एम्बेसी में पोस्टेड था। वहां पर यह आदमी क्या करता था कि जो इंडियन आर्मी से रिलेटेड जितने भी सीक्रेट इन्फॉर्मेशन है वह पाकिस्तान की सीक्रेट एजेंसी ISI के एजेंट्स को शेयर करता था। और जैसा कि आप अब तक समझ चुके होंगे कि यह सब इसने पैसों के लिए ही किया था। पाकिस्तान की सीक्रेट एजेंसी ISI ने इसको पैसों का लालच दे करके अपने लिए एक एसिड के रूप में भारत के खिलाफ इसका इस्तेमाल किया था। उत्तर प्रदेश की ATS टीम बहुत दिनों से इस इंसान को ट्रैक कर रही थी। इसको अरेस्ट करने के बाद पता चला है कि मॉस्को में कुछ पाकिस्तानी एजेंट्स आते थे इससे मिलने के लिए, और पैसों के बदले में इससे इंडियन डिफेंस की जो भी सीक्रेट जानकारी थी वह उससे लेकर जाते थे। पैसों के लालच में एक इंसान कितना गिर सकता है वह आप इस इंसान को देख कर अनुमान लगा सकते हो। अब आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि इंडियन आर्मी की सीक्रेट इन्फॉर्मेशन आखिर इस आदमी तक कैसे पहुंचती होगी। देखिए, ये आदमी सेंट्रल गवर्नमेंट में MTS यानी कि मल्टीटास्किंग स्टाफ के पद पर नौकरी करने वाला एक इंसान था, और यह MTS के पद पर मॉस्को में इंडियन एम्बेसी में काम करता था, और वहीं से यह गद्दार सारी इन्फॉर्मेशन निकाल करके पाकिस्तान के हाथ में देता था। आज देखिए, जो भारत में हर दूसरे दिन कोई ना कोई सेना का जवान शहीद हो रहा है वह इन्हीं गद्दारों की वजह से हो रहा है, क्योंकि ऐसे गद्दार ही इंडियन आर्मी की सीक्रेट इन्फॉर्मेशन दुश्मन देश के हाथों में बेच रहे हैं, और इनके द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन के आधार पर ही आतंकवादी जब इंडियन आर्मी किसी रास्ते से गुजरती है तो उसके ऊपर घात लगाकर हमला कर देते हैं। कहीं पर फायरिंग कर देंगे, कहीं पर बम मार देंगे, कहीं पर IED ब्लास्ट कर देंगे, और इन जैसे गद्दारों की वजह से ही हमारे कई जवानों के घर उजड़ चुके हैं। आप क्या सोचते हैं इसके बारे में नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और जैसे ही इस केस में कोई नया अपडेट आएगा आपको तुरंत वीडियो के माध्यम से हमारे चैनल पर जानकारी मिल जाएगी, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।